नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्त के में। बिहार पुलिस का हम सीरीज चला रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को लगभग मैंने कवर कर लिया है। अब बचा है आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो उस पर भी मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ इसके पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के दोनों वीडियोज़ को देख लें, है ना। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलने वाले हैं, सारे शिफ्टों में मिला करके इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन जो है वह हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक से दो नंबर आपका इसी वीडियो से पक्का होने वाला है ना। तो इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए, है ना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? इलाहाबाद की संधि। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद किसे बनाया गया, तो आप आंसर कर देंगे कि सर मीर जाफर को बनाया गया, क्योंकि इससे पहले आपने प्लासी का युद्ध वाला जो मेरा वीडियो आया था उसको आपने अगर देखा है तो प्लासी के युद्ध से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब बात कर लेते हैं कि प्लासी, यह प्लासी है कहाँ में भैया। अगर पूछ दे कि प्लासी कहाँ में है तो आप बताएंगे कि सर ये तो बंगाल में है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इससे कि प्लासी का युद्ध जो है यह हुआ कब था। 23 जून 1757, 23 जून 1757, दो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का जो नवाब था वह था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। मीर जाफर इसके बाद बना है। अगला चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध का विजेता, जीतने वाला कौन जीता था बक्सर का युद्ध, तो इसके विजेता था हेक्टर मुनरो। कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्लासी कहाँ में है, तो प्लासी है बंगाल में। कहाँ में है? बंगाल में, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस नवाब ने बंगाल के भैया, किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना जो है वह मधुमक्खियों से की। नवाब बोले कि यह यूरोपीय जो है मधुमक्खी हैं, इनको अगर छेड़ोगे नहीं तो ये शांत रहेंगे, छेड़ोगे तो ये काट लेंगे, तो किसने? तो अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां के बारे में आपको पता हो गया कि इसने क्या कहा था कि मधुमक्खी जैसे हैं यूरोपीय, छेड़ोगे तो काटेंगे, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का जो नवाब था वह कौन था ब्लैक होल की घटना के समय। तो ब्लैक होल की घटना के समय भी बंगाल का नवाब वही था जो प्लासी के युद्ध के समय था। कौन था? सिराजुद्दौला। अब भैया ब्लैक होल की घटना क्या है जरा जान लीजिए। तो देखिए बहुत सारे राइटरों ने कहा है कि जेड हालवेल द्वारा यह अपनी ख्याति पाने के लिए यह एक मनगढ़ंत कहानी है, है ना। कहानी क्या है? कहानी कह रहा है जेड हॉलवेल कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को सिराजुद्दौला बंद कर दिया था और सुबह खोला गया तो उसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे, बाकी मर गए। उन 23 लोग में एक जेड हॉलवेल भी था, उसी ने ब्लैक होल घटना के बारे में चर्चा किया है। यह घटना है 20 जून 1756, तारीख याद रखेंगे। ब्लैक होल की जो घटना है 20 जून 1756, प्लासी के युद्ध की जो घटना है किस तिथि को, 23 जून 1757, 1 वर्ष 3 दिन बाद, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। भैया जो राज्य थे तो कौन सा राज्य जो था वह अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, तो अवध के अंतिम नवाब
वाजिद अली शाह ध्यान देंगे तो अवध। अवध किसका प्राचीन नाम है? अवध को अब क्या कहते हैं? कमेंट कर दीजिए कि अवध को वर्तमान में क्या कहा जाता है। हैदराबाद की नींव किसने डाली? तो भैया हैदराबाद की नींव जो है वह चिनकलीच खां ने डाली। किसने डाली? चिनकलीच खां। अब आप तो कहेंगे सर ये तो हम निजामुल मुल्क पढ़े हैं, तो भैया इसी का नाम निजामुल मुल्क भी था। ठीक। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की। किसने की? सवाई जयसिंह ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस जाट राजा ने, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, किस जाट राजा ने अकबर के मकबरे में घुसकर उसके कब्र से उसकी हड्डियों को निकाल करके और जला दिया था, तो वह कौन राजा था? तो उस राजा का नाम था राजा राम। जाटों का यह राजा था। यह अकबर के अकबर का मकबरा कहाँ में है बता दीजिए। तो इसने क्या किया कि मकबरे में घुसा, मकबरे को तोड़ा, हड्डियों को निकाल करके और जलाया। अगला, किसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है? सूरजमल को जो है वह कहा जाता है जाटों का अफलातून। किसे? सूरजमल। सिख धर्म की नींव किसने डाली? तो भैया सिख धर्म की जो नींव है वह गुरु नानक ने डाली। ध्यान देंगे इस बात का भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नानक का जन्म जो है वह कहाँ हुआ है? तो तलवंडी में। मृत्यु की बात करें तो करतारपुर में। और पिता का नाम तो कालू जी, और माता का नाम तो तृप्ता। ये चारों याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? तो इनके दूसरे गुरु, सिखों के दूसरे गुरु जो थे अंगद, जिनका एक और नाम था लहना, उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृतसर नामक शहर किसने बनवाया? तो अमृतसर नामक शहर रामदास, जो कि सिखों के कैवे गुरु थे, चौथे गुरु थे, पहले थे नानक, अंगद, अमरदास, चौथे रामदास, तो रामदास ने बनवाया। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव पांचवे गुरु थे, याद रखेंगे। किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने कराया? तो जहांगीर ने अर्जुन देव की ही हत्या कराई थी, यानी पांचवे सिख गुरु की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने, ध्यान रखेंगे। एक और गुरु थे, उनकी हत्या औरंगजेब ने कराई थी, वह कौन थे नाम बता दीजिए। किस गुरु ने गुरु का पद पैतृक बनाया? किस गुरु ने? तो यह रामदास ने ही बनाया, और रामदास कैवे गुरु थे, चौथे गुरु थे। अब चलते हैं हम लोग आगे। अकाल तख्त, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें, है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो हर गोविंद ने। किसने? हर गोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु जो है वह चेचक नामक बीमारी से हुई थी? तो हर किशन की मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट है, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने किया या कराया? तो नौवे गुरु थे और उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। तो इनकी हत्या औरंगजेब ने, और जहांगीर ने किसकी? तो पांचवे गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराया था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को दसवें गुरु थे, लेकिन बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि सिखों के ग्यारहवें गुरु कौन थे, हालांकि दसवें तक ही लास्ट था, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है कि सिखों के ग्यारहवें गुरु, तो ग्यारहवें गुरु जो हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, है ना। गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक ये रहे। जन्म इनका 1666 में पटना में हुआ था, ध्यान दीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो बता देंगे कि भैया ये दसवें गुरु थे गोविंद सिंह, इन्होंने ही की थी, ठीक ना।
किस सिख गुरु ने सिखों को पांच ककार बताएंगे क्या है ककार धारण करने का करने को कहा। तो गोविंद सिंह ने सिखों को पांच ककार मतलब पांचों का नाम है कैसे, केस याद करिए, केस जो बाल देखते हैं आप सिखों को बांधे रहते हैं पगड़ी दाढ़ी उड़ी है ना, केस ककार, केस हो गया पहला, केस पहला ककार, दूसरा हो गया कंघा, ठीक केस कंघा, तीसरा हो गया कड़ा है ना, देखिए आप पहने हुए, और चौथा कृपाण, चौथा क्या हो गया कृपाण, और पांचवा कटार, ये पांच हो गए, केस कंघा कड़ा कृपाण कटार, ये पांच ककार हैं सिखों के। तो किसने किया था, यह गुरु गोविंद सिंह ने ही करा था। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, पूछा गया है बिहार एसएससी में भी पूछा गया है सीजीएल वाले में, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए सारे एग्जाम में पूछा जाता है बिहार के। तो यह हुआ था मेकटॉफ और रणजीत सिंह के बीच। मेकटॉफ देखिए इसका नाम में आप कंफ्यूज मत हो, कहीं कहीं मेकटॉफ मिलेगा और कहीं कहीं मेटकॉफ भी मिल जाएगा है ना, मेटकॉफ भी मिल जाएगा, दोनों नाम कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिल जाता है, तो परेशान नहीं होना है वही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से 1846 तक, इम्पोर्टेंट है ये सारे युद्ध, इम्पोर्टेंट है देख के ही जाइएगा। समाप्त कब हुआ है, तो 9 मार्च 1846 को यह समाप्त हुआ है लाहौर की संधि से, लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ है 9 मार्च 1846, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो 1848 से 1849 तक चला, पहला होने के 2 साल बाद शुरू हुआ और 1 साल तक चला। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये था सिख युद्ध, सिख लड़ रहे थे इसमें, अब इसमें मैसूर वाले लड़ेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1767 से 1769, टीपू सुल्तान के पिताजी थे हैदर अली, उनसे हुआ था लड़ाई है ना अंग्रेजों का। यह समाप्त हुआ मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को समाप्त हुआ यह युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, पहला था 67 से 69, दूसरा है 80 से 84, यह समाप्त होता है मैंगलोर की संधि से 1784 में, कब 1784 में। अगला क्वेश्चन, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला है ना, इसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, टीपू सुल्तान इधर से थे मैसूर की तरफ से और कार्नवालिस जो था वह था किधर से, अंग्रेज की तरफ से। इसमें टीपू सुल्तान को भारी मुआवजा देना पड़ा था, उसी समय 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा था है ना। तो कार्नवालिस बहुत जोर से हंसा और ठहाके लगाते हुए दम्भ भरते हुए कहा कि मैंने अपने दुश्मन को लंगड़ा बना दिया है और बिना अपने शत्रुओं का भय दिखाए हुए अपने दुश्मन को अपाहिज बना दिया है, ऐसा बोला था है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह 1799 और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। आ हस्तक्षेप नीति का जन्मदाता कौन था, तो जॉन शोर था, कौन था जॉन शोर, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। अवध का अंतिम नवाब, हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था, वाजिद अली शाह, इंपॉर्टेंट है। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने करी, तो यह मुर्शिद कुली खान ने, किसने, मुर्शिद कुली खान ने किया, ठीक ध्यान देंगे। भारत में ब्रिटिश की वास्तविक प्रभुसत्ता कब हुई, भारत में ब्रिटिश राज्य की वास्तविक अगर पूछा जाए तो कब हुई, तो यह बक्सर के युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि बंगाल का जो युद्ध था वह एक षड्यंत्र का परिणाम था। अगर बंगाल का आप लोगों ने प्लासी नहीं देखा है तो प्लासी का वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में मैं बताया हूँ। तो यह जो वास्तविक प्रभुसत्ता हुई है यह हुई है बक्सर के युद्ध से, ना कि प्लासी के युद्ध से, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो,
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे यह वीडियो आपको मिला है आपके दोस्तों को भी मिले और वह भी अपना नौकरी लेने का सपना जो है वह पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।